नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और एल्विश यादव माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। जी हाँ, बता दें आप सभी को कि 9 अक्टूबर की रात नवरात्रि के दिन पर एल्विश यादव दुर्गा पंडाल पहुंचे थे, जहां उनकी तस्वीर भी सामने आई है। दुर्गा माँ की एक बड़ी सी मूर्ति के साथ उन्होंने तस्वीर अपनी ली है और बहुत ही साधारण से लुक में पहुंचे। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया के सामने भी वो आए, तो उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। उनके दोस्त यार भी खास वहां मौजूद नहीं थे उनके साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ, पर वो जरूर पहुंचे थे। ऐसे में एल्विश यादव ने माँ दुर्गा के सामने हाथ भी जोड़े, आशीर्वाद भी लिया और अपनी देखा जाए तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं एल्विश यादव। भगवानों में उनका विश्वास भी है तो रिस्पेक्ट भी खूब है, और अपने जिस तरह से बड़ों की वो आदर सम्मान करते हैं ये भी क्लियरली देखा ही जाता है, जिससे उनके सिर्फ करियर से नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ से भी उनके अच्छे कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं। भले ही गलत चीज़ों को लेकर वो लाइमलाइट में आते हों, बहुत सारे लोग उनकी नफरत करते हों उनसे, लेकिन एक ये चीज़ भी उनमें काफ़ी अच्छी है कि वो अपनी संस्कृति को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ से मोटिवेट भी करते हैं। और जिस तरह नवरात्रि के दिनों में एल्विश यादव लगातार काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भी नजर आए हैं, यकीनन माँ दुर्गा का आशीर्वाद उनके साथ जरूर बना रहेगा। और जिस तरह अपने करियर में वो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूबर से बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता, वहीं दूसरी ओर उसके बाद उनका शो टेम्पटेशन आइलैंड दोनों ही सुपरहिट रहे। थर्ड शो उन्होंने किया प्लेग्राउंड सीजन 3, उस शो को भी उन्होंने सुपर डुपर हिट बना दिया। फिर उसके बाद अब वो ECL के विजेता रहे, जहां उन्होंने प्लेग्राउंड को जीता, बिग बॉस को जीता, तो ECL को भी जीत गए, यानी कि तीसरी जीत। प्लेग्राउंड सीजन 3 इतना ज्यादा हिट रहा कि प्लेग्राउंड सीजन 4 को जल्द से जल्द साल भर में ही लेकर आया गया, और इस शो में भी वो छाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब रोडीज की तैयारी शुरू हो चुकी है, प्रोमो के जरिए हर किसी को सरप्राइज वो दे चुके हैं। इसी तरह उनके फैंस जानते हैं कि वो अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, और जिसकी वो पूजा करते हैं अपने माँ बाप की और भगवानों की, उनका आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। क्या कहेंगे इस बारे में आप सभी कमेंट करके मैं जरूर लेके बताएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के बनाओ, बिल्कुल भी ना जाएं।